Hello friends, today we are going to learn some important idioms and phrases. So let's start. First hai bad hair day means manhoos din. Example hai I knew it was going to be a bad hair day when I forgot my project file in my home. मैं जानता था कि ये मेरा मनहूस दिन होने वाला था जब मैं अपनी प्रोजेक्ट की फाइल घर पर भूल गया. नेक्स्ट है मिल्क एंड वाटर मींस कमजोर. हिज आइडिया वॉज वेरी मिल्क एंड वाटर दैट कुडंट इंस्पायर द पीपल मींस उसका उपाय इतना कमजोर था कि लोगों को प्रेरित नहीं कर सका. थर्ड है कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स मनगढ़ंत कहानी. आई हैड नॉट बिलीव्ड वन ऑफ हर कॉक एंड बुल स्टोरी. मुझे उसकी एक भी मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास नहीं हुआ. फोर्थ है डॉग डेज मीन्स अत्यधिक गर्मी के दिन. द डॉग डेज ऑफ समर बिकम्स अ चैलेंज For those who have to work out in the open, means गर्मी के अधिक गर्म दिन उन लोगों के लिए एक चुनौती बन जाते हैं जिन्हें खुले में काम करना पड़ता है. Next है stand in a good stead, means काम आना. Her years of teaching stood her in good stead. मीन्स उसके सालों की पढ़ाई लिखाई उसके काम आ गई. नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स रहस्य खोलना. आई वॉज ट्राइंग टू कीप द पार्टी अ सीक्रेट बट राम वेंट एंड लेट द कैट आउट द बैग मीन्स मैं पार्टी को गुप्त रखने की कोशिश कर रहा था लेकिन राम गया और रहस्य खोल दिया. नेक्स्ट है ऑफ हैंड मीन्स बिना तैयारी के. ही मेड अ स्पीच ऑफ हैंड उसने बिना तैयारी के भाषण दिया. नेक्स्ट है किथ एंड किन मीन्स मित्र और रिश्तेदार. ऑल रियाज किथ एंड किन केम टू हर बर्थडे पार्टी. रिया के सभी मित्र और रिश्तेदार उसकी जन्मदिन की पार्टी पर आए. नेक्स्ट है होल्ड योर हॉर्सेस मीन्स खुद को संभालना. प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस यू आर नॉट सेलेक्टेड येट. कृपया खुद को संभाल लीजिए आपको अभी तक सेलेक्ट नहीं किया गया है या चुना गया है. नेक्स्ट है गेट योर वर्किंग पेपर्स मीन्स नौकरी से निकाल दिया जाना. इफ यू विल नॉट डू योर वर्क विद ऑनेस्टी देन यू विल गेट योर वर्किंग पेपर. यदि तुम अपना काम ईमानदारी से नहीं करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ. तब तक गुड बाय.